नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर बीओजी अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना व कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी एनटीए में हर स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ साथ वर्तमान में एनटीए के शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया का आकलन करेगी। जहां सुधार की जरूरत है उनकी पहचान और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए सिफारिशें पेश करेगी। समिति 2 महीने के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि ट्रांसपेरेंसी, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जाम कराना एक प्रतिबद्धता है। एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमेटी का गठन परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार, सभी संभावित कदाचारों को समाप्त करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनटीए में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों की सीरीज में पहला कदम है। छात्र हित और उनका उज्जवल भविष्य हमेशा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इससे पहले नीट यूजीसी नेट को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना था कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई लेवल कमेटी गठित करने की जानकारी दी थी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार जीरो एरर परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने जा रही है जो एनटीए पर सिफारिश देगी। छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सरकार किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेगी। नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर बीओजी अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना व कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी एनटीए में हर स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ साथ वर्तमान में एनटीए के शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया का आकलन करेगी। जहां सुधार की जरूरत है उनकी पहचान और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए सिफारिशें पेश करेगी। समिति 2 महीने के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि ट्रांसपेरेंसी, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जाम कराना एक प्रतिबद्धता है। एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमेटी का गठन परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार, सभी संभावित कदाचारों को समाप्त करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनटीए में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों की सीरीज में पहला कदम है। छात्र हित और उनका उज्जवल भविष्य हमेशा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इससे पहले नीट यूजीसी नेट को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना था कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई लेवल कमेटी गठित करने की जानकारी दी थी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार जीरो एरर परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने जा रही है जो एनटीए पर सिफारिश देगी। छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सरकार किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेगी।